Hello everyone and welcome to Live Services. In this video I will talk about UPSC Civil Services Prelims 2019 Preparation Strategy. अप्रॉक्स 90 डेज वी हैव, हमारे पास लगभग 90 दिन है और उस 90 दिन में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यदि आपको ये पता हो कि प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड एनालिसिस क्या था, ट्रेंड क्या था क्वेश्चन आने का, तो उससे आप इस साल की जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ी सी आप बेटर कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस. तो मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करूंगा. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इकोनॉमी से. तो जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है. यदि लास्ट ईयर की बात करें 2018 में तो इकोनॉमी से काफ़ी क्वेश्चन आए थे. इकोनॉमी और इंडिया ईयर बुक यदि हम कंबाइन कर दें तो उससे क्वेश्चन आए थे 24 क्वेश्चंस. सो यू कैन सी दैट इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा रोल है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में. और यदि 2017 की बात करें 2017 में इकोनॉमी से क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ से आए थे 20 क्वेश्चंस. और 2016 की बात करें 2016 में भी ऐसे ही था, 24 क्वेश्चंस आए हुए थे. ठीक है, और 2015 की बात करें 2015 में आए थे क्वेश्चंस 22 क्वेश्चन. ठीक है, तो ये रहा इकोनॉमी के बारे में बात. तो इकोनॉमी काफी बड़ा रोल प्ले करता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन टू स्टडी. ओके, यदि हम अगली सब्जेक्ट की बात करें तो अगली सब्जेक्ट में यदि हम बात करें पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी जो है पॉलिटी अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. पॉलिटी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलिटी में इकोनॉमी में जो स्कीम्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ट्रेडिशनल इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं लेकिन मोर और लेस जो करंट अफेयर की इकोनॉमी है वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं. लेकिन यदि पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं. तो इसके लिए पॉलिटी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको डेफिनेटली देख के जाएं, क्योंकि उससे एक आपको रफ आइडिया मिल जाती है कि यहाँ से इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं. और कुछ एरिया हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्लियामेंट है, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, इसको डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएँ. तो पॉलिटी की यदि बात करें 2018 में, तो 2018 में पॉलिटी से जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 13 क्वेश्चन 2018 में आए थे. ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. यदि हम उसके पहले की बात करें 2017 में आए थे 20 क्वेश्चन. तो आप देख सकते हैं 2017 में पॉलिटी का काफ़ी बड़ा रोल था, लेकिन 2016 में सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे. और ऑब्वियसली दैट्स अ लिटिल डिस्करेजिंग, बट उसके पहले 2015 में आए थे 12 क्वेश्चन. तो पॉलिटी एक अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन है और ये पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं इसको आप बहुत ही प्रिकॉशन लेके प्रिपेयर करें. प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको काफ़ी बार बार देखें जिससे आपको एक रफ आइडिया मिलेगी. मैं आपको सजेस्ट करूंगा इवनली यूपीएससी के द्वारा जो बाकी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं जैसे सीडीएस है, एनडीए है, आप उसके क्वेश्चंस भी देख के जाएं. ठीक है, एंड दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा एडवांटेज. ओके, नाउ यदि हम अगले पार्ट की बात करें तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हिस्ट्री का. हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हम अकेले हिस्ट्री की बात नहीं करते, हिस्ट्री और इंडियन कल्चर की बात दोनों मिक्सअप करके करते हैं. तो हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से देखा है तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे 2018 में वो आए थे 21 क्वेश्चंस. तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री और इंडियन कल्चर का काफ़ी बड़ा रोल है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में. इवनली लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे कौन सा जो गवर्नर जनरल है उसके टाइम पे क्या एक्ट हुआ था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. यदि आपको हिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत आती है, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ी आती, दैट्स ऑब्वियसली दैट्स अ बिग बुक. तो आप जो तमिलनाडु बोर्ड है उसकी 11th और 12th की जो हिस्ट्री की बुक है उसको आप देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी प्रिसाइज बुक. ओके, 2017 की ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए थे वो ज़्यादा नहीं आए थे. 2017 में 6 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से और आर्ट एंड कल्चर से आए थे 4 क्वेश्चन. तो ओवरऑल दिखाए तो 10 क्वेश्चन आए थे यहाँ से. ठीक है, ये तो 2016 की बात करें तो 10 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से और 5 क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी आए थे. तो ऑब्वियसली ये भी आर्ट एंड कल्चर में हम कंबाइन करेंगे तो आप कह सकते हैं 15 क्वेश्चन यहाँ से थे. ओके, 2016 की बात करें तो 10 क्वेश्चन आए थे प्रॉपरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, 4 क्वेश्चन आए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट से और 3 क्वेश्चन आए थे आर्ट एंड कल्चर से. तो हम कह सकते हैं 17 क्वेश्चन यहाँ से आए थे हिस्ट्री से, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से यदि हम बात करें तो. और उसके पहले की यदि बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन आए थे आपके प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया से. उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी 7 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से आए थे 12 क्वेश्चन, एंड दैट्स ह्यूज.
तो आप देख सकते हैं 7 7 7 + 7 14, 14 + 12 = 26, 26 क्वेश्चन आए थे, काफी बड़ा वेटेज था, लेकिन आप देख सकते हैं टाइम के साथ इसका थोड़ी वेटेज कम हुआ, लेकिन 2018 में इसका वेटेज फिर से बढ़ गया। तो हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, हिस्ट्री और इंडियन कल्चर का काफी बड़ा रोल था 2018 के प्रीलिम्स में। यदि अगले पार्ट की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ज्योग्राफी। तो जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में एक्चुअली हम कई चीज़ों की बात करते हैं इकट्ठा। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आता है, इंडियन ज्योग्राफी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, और इंडियन ज्योग्राफी में जब बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो भी हम ज्योग्राफी में काउंट करते हैं जनरली। तो ज्योग्राफी से लास्ट ईयर की जब बात की तो 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे, प्रॉपर ज्योग्राफी से, और 4 क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर से। तो हम कह सकते हैं ज्योग्राफी से आए थे अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए थे? 8 क्वेश्चन आए थे। यदि हम 2017 की बात करें तो 2017 में ज्योग्राफी जो क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को मिक्सअप कर दें, तो आए थे क्वेश्चन 14 + 2। प्रॉपर जो फिजिकल ज्योग्राफी उसे 2 क्वेश्चन आए थे, 14 क्वेश्चन आए थे आपके, नहीं 14 क्वेश्चन ही आए थे, 14 क्वेश्चन आए थे, ओके। तो 14 क्वेश्चन यहाँ से आए थे आपकी ज्योग्राफी से, तो 2017 में आए थे 14 क्वेश्चन, ओके, एंड दैट्स ह्यूज ऑब्वियसली। उसके पहले की यदि बात करें तो 2016 में यदि बात करें तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए थे 16 क्वेश्चन। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको थोड़ी गलत बता गया। 2018 की यदि बात करें, 2018 में 14 क्वेश्चन नहीं बल्कि ज्योग्राफी से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ज्योग्राफी से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे सब कुछ मिलाकर। और 2016 की यदि बात करें तो ज्योग्राफी से आए थे, नहीं 2017 में आए थे 9 क्वेश्चन, सॉरी 9 क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 2016 में आए थे 4 क्वेश्चन और 2015 में आए थे इससे 15 क्वेश्चन, ठीक है, 2015 में आए थे इससे 15 क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट प्लेड द रोल, ठीक है। तो ज्योग्राफी का काफी बड़ा रोल था लास्ट ईयर की बात करें तो, ठीक है। और अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे बाकी नेक्स्ट पार्ट की। एक बहुत बड़ा पार्ट सिविल सर्विसेज में है जिस पार्ट को बोलते हैं एनवायरमेंटल साइंस, और एनवायरमेंटल साइंस का बहुत बड़ा रोल होने का रीजन ये है कि एनवायरमेंट जो है फॉरेस्ट सर्विसेज में भी रहती है एक्चुअली, बिकॉज फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम सिविल सर्विसेज में साथ में ही होता है, और फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विस के एग्जाम प्रीलिम्स के जो हैं वो साथ में ले जाते हैं, इसलिए इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में। तो इन्वायरमेंट की बात की जाए तो 2018 में जो क्वेश्चन आए थे, 2018 में आए थे इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन आए थे, कितने आए थे? आए थे 12 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस से आए थे 2018 में। 2017 की बात करें तो 2017 में इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन, इकोलॉजी एनवायरमेंट से क्वेश्चन आए थे 14 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 14 क्वेश्चन आए थे और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 2016 की बात करें तो 2016 में आए थे एनवायरमेंट से 16 क्वेश्चन, एंड दैट्स अ ह्यूज। 2015 की बात करें, 2015 में एनवायरमेंट से क्वेश्चन आए थे 10 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनवायरमेंट का जो करंट अफेयर का जो पोजिशन है उसको काफी ज्यादा पुश करें करंट अफेयर, और जो शंकर आईएएस की बुक है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन मोर आर लेस आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द करंट अफेयर पोर्शन। जो करंट अफेयर है आप कोई भी एक मैगजीन पिक कर लें, चाहे विजन आईएएस है चाहे इनसाइट है, उसकी मैगजीन को पिक करके आप एनवायरमेंटल साइंस की स्टडी वहां से काफी अच्छे से करें, ओके। सो दिस इज अबाउट एनवायरमेंटल साइंस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक एक काफी महत्वपूर्ण पार्ट है साइंस एंड टेक, और आपको पता होना चाहिए इसमें साइंस और टेक दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन रिसेंटली यदि आप लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें तो साइंस के क्वेश्चंस बहुत कम आए थे, लेकिन साइंस एंड टेक यदि कंबाइन कर देते हैं तो यहां से आए थे 13 क्वेश्चन। यहां से कितने क्वेश्चन आए थे? 13 क्वेश्चन। और साइंस एंड टेक से यदि देखा जाए तो टफ क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन ही टफ थे, 4 या 5 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे, मीडियम लेवल के 4 या 5 क्वेश्चन थे। तो अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आप 8 या 9 क्वेश्चन आप साइंस एंड टेक से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि साइंस एंड टेक में देखा है तो स्पेस टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन आए थे, दैट्स ह्यूज एक्चुअली। 5 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से, दैट्स ऑब्वियसली दैट्स ह्यूज, ओके।
और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उससे 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन। तो 2017-2018 का जो पोर्शन है साइंस एंड टेक का, उसको मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आए थे 13 क्वेश्चन। 2017 की यदि बात करें तो जनरल साइंस है और साइंस एंड टेक यदि सबको मिला दें तो इससे आए थे 9 क्वेश्चन। तो जनरल साइंस से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब आप कंबाइन कर सकते हैं, और साइंस एंड टेक से बाकी क्वेश्चन थे। तो आप कह सकते हैं कि दोनों से मिला के कुल 9 क्वेश्चन थे। साइंस एंड टेक से 6 क्वेश्चन थे और बाकी जनरल साइंस से आप 3 क्वेश्चन कह सकते हैं, तो 9 क्वेश्चन टोटल कह सकते हैं। ये 2016 की यदि बात करें, 2016 में जनरल साइंस से क्वेश्चन आए थे 3 और साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आए थे 9, तो दोनों मिला के तो जाते हैं तो 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 2015 की यदि बात करें, 2015 में 10 क्वेश्चन आए थे, चूंकि 2015 में बायोलॉजी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आया था। ओके, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था फूड एंड न्यूट्रिशन से, 4 क्वेश्चन आए थे प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन से। तो दैट्स ह्यूज एक्चुअली। तो 10 क्वेश्चन आ गए थे साइंस से प्रॉपरली और 6 क्वेश्चन आए थे साइंस एंड टेक से। तो 16 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आए थे 2015 में। लेकिन रिसेंट ट्रेंड की यदि बात करें 2018 में, जो इस समय ट्रेंड है उसमें साइंस एंड टेक और स्पेशली टेक वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर का जो पोर्शन है, उसमें ज़्यादा पुश किया गया है। और करंट अफेयर में स्पेशली जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा पुश किया गया है। बायोलॉजी का जो है उसमें भी वेटेज दिया गया है स्पेशली, और स्पेस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन बने हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप साइंस एंड टेक को थोड़ी सी ब्रॉड वे में पढ़ें और उसको आप मतलब आई मीन आप उसको कैजुअल लेते हैं तो आपको काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो आई वुड से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप थोड़ा स्ट्रेस मारें। और यदि बाकी एरिया की यदि बात करें मिसलेनियस पोर्शंस की, तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है और डिफेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस की यदि बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस से क्वेश्चन भी आए हैं लास्ट ईयर, और यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं 9 क्वेश्चंस। 2018 में इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस से क्वेश्चन आए हैं 9 क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑब्वियसली दैट्स ह्यूज एक्चुअली। यदि उसके पहले की यदि बात करें 2017 में, 2017 में यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स वगैरह का, ये सब यदि बात करें इंटरनेशनल रिलेशन में। और यदि प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ये भी मिसलिनियस में आता है, करंट अफेयर वगैरह सब मिला के यदि आप देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 2017 में लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। 2016 की बात करें तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो अधिकांश करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन से अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 3 क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 7 क्वेश्चन थे और मिसलिनियस पोर्शन से 4 क्वेश्चन थे। तो आप कह सकते हैं कि 12-14 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से भी 12-14 क्वेश्चन आए थे इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस से। और यदि उसके पहले की बात करें तो उसके पहले भी जो आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे 2 क्वेश्चन आए थे, यूनाइटेड नेशन से 1 क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन आया था आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी से। तो इससे आप कह सकते हैं ओवरऑल 8 या 10 क्वेश्चन आए थे। तो आई एम सजेस्टिंग यू कि इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आपको इंटरनेशनल रिलेशन की चीज़ें पढ़नी चाहिए, आप उसको मतलब ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टडी। अब मैं आपको बताऊंगा कि 90 डेज में आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें। ये लास्ट ईयर का आप ट्रेंड देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से रहे हैं। तो इकोनॉमी में आप देख सकते हैं 24 क्वेश्चन इकोनॉमी से थे, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से, हिस्ट्री और इंडियन कल्चर की यदि बात करें तो 21 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आए थे, और यदि बाकी पोर्शन की यदि हम बात करें तो इन्वायरमेंट से आए थे 12 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से आए थे 13 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस यदि बात करें तो 9 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट में जो सबसे, देखिए कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें सभी लोग स्ट्रेस मारते हैं, जैसे इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी आप जनरली पढ़ते ही हैं, आप या तो एनसीईआरटी प्रिपेयर करते हैं जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ लेते हैं, और इकोनॉमी में आप करंट अफेयर ही पढ़ते हैं, कुछ लोग विजन पढ़ते हैं, कुछ लोग इनसाइट पढ़ते हैं। विजन का जो 365 है वो काफ़ी यूजफुल रहता है, हालांकि इनसाइट भी 365 रिलीज करने लगा है लास्ट ईयर से, तो आप इनसाइट का भी 365 आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इकोनॉमी में तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, और अभी टाइम है, अभी यू कैन स्टडी अलॉट। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आई वुड सजेस्ट कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जैसे कि पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, और ये जो पार्ट्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन बन जाते हैं, इवनली कैबिनेट कमेटी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई एम सजेस्टिंग यू कि आप पॉलिटी को थोड़ी कॉशन प्रिकॉशन लेके पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, उसके बारे में भी पढ़ें, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, उसकी जो अपॉइंटिंग कमेटी होती है उसमें कौन कौन से, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें अपॉइंटिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं। सो दीज थिंग्स यू हैव टू स्टडी केयरफुली। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में ज़्यादा वेटेज कल्चर को दिया गया है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप मॉडर्न इंडिया का पोर्शन काफ़ी अच्छे से करें, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार हम उसको कैजुअली लेते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, तो हम मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन नहीं कर पाते। एंड
इनफैक्ट इज दैट मॉडर्न डेज काफी से उसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री की यदि आप बात करें तो आप स्पेक्ट्रम की बुक प्रीफर कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए। बाय द वे, यदि स्पेक्ट्रम आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी की बुक प्रीफर कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए। ज्योग्राफी की यदि बात करें तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी का काफी बड़ा रोल रहता है, आप उसको जीसी लियोंग से पढ़ सकते हैं या कि एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। और यदि ज्योग्राफी में यदि इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी ऑब्वियसली आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो 6 और 7 की एनसीईआरटी वो काफी अच्छा उसमें दिया हुआ है ज्योग्राफी में। यदि हम अगले पार्ट की बात करें जिसमें एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का शंकर आईएएस काफी बड़ा रोल प्ले करता है, बट याद रखें एनवायरनमेंट के लिए रिसेंट जो ट्रेंड एनालिसिस है उस वो शो करते हैं कि जो करंट अफेयर का पोजीशन है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप करंट अफेयर का जो पोजीशन है एनवायरनमेंट के लिए वो आप अच्छे से पढ़ें, काफी अच्छे से पढ़ें। साइंस एंड टेक ऑब्वियसली करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आईसीटी जिसको बोलते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बायोलॉजी और जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है आईसीटी है और मतलब यहाँ से आप क्वेश्चन को स्ट्रेस करें एंड गो थ्रू दैट। ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें और डिफेंस से यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, लास्ट ईयर 9 क्वेश्चन आए हैं, तो दिस प्लेड ए वाइटल रोल। तो कई बार क्या होता है कि आप 2 या 3 क्वेश्चन से मिस होते हो, तो इस कंडीशन में आपको इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास 30 अप्रॉक्स 90 डेज हैं, 9 डेज में जो सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप उसके मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करें। यदि आपको कुछ सब्जेक्ट इजी लगती हैं जैसे कि अधिकांश लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस थोड़ा सा, यदि साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंटल साइंस थोड़ी ईजी लगती है तो आप उसको थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी और जो हिस्ट्री का पोर्शन है और ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले पोजीशन में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, इकोनॉमी पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी में। तो चूंकि आप देख सकते हैं इकोनॉमी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। लेकिन जो ह्यूमनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि उनका इकोनॉमी थोड़ा कई बार डाउन रहता है, चूंकि ह्यूमनिटी बैकग्राउंड के लड़कों को पॉलिटी और हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट लगता है पढ़ने में, तो डेफिनेटली दे कैन गो थ्रू दैट। यदि आपका इकोनॉमी ऑप्शनल नहीं है या इकोनॉमी का आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आप इकोनॉमी में जरूर स्ट्रेस करें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। हालांकि इकोनॉमी में स्कीम से क्वेश्चन बनते हैं तो स्कीम डेफिनेटली आप देखते रहें, ज्योग्राफी भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि दिस इज ए होलिस्टिक अप्रोच, प्लीज टेक इट ओवर आप। लेकिन याद रखें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें रिवीजन में काफ़ी स्ट्रेस करें, बिकॉज दिस एग्जाम इज अबाउट रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना क्लैरिटी आएगी, और जितना क्लैरिटी आएगी प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी आपको आसानी होगी। सो फिलहाल इस डिस्कशन को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन यदि आपके पास फर्दर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कम थ्रू योर क्वेश्चंस। किसी भी तरह की क्वेरी है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें तो ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आपके पास कोई क्वेरी है प्लीज़ डू कमेंट बिलो, और इसको अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।